बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी उत्तर प्रदेश में वापसी के रास्ते तलाश रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के लिए रास्ते कोई ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने जो 1984 से जो बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था उससे लेकर 2000 तक जो कुछ किया था, अगर एक बार फिर से वो बहुजन समाज पार्टी के लिए करना शुरू कर दे तो शायद बहुजन समाज पार्टी किसी भी समय वापसी कर सकती है। लेकिन इस बार वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश में जुटी हुई है और खास तौर से दलितों के साथ साथ वो महिलाओं पर भी विशेष जोर दे रही है। वरना पार्टी के अंदर महिला नेताओं की बिल्कुल संख्या, पार्टी की अध्यक्ष महिला है लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के अंदर महिला नेताओं की कमी है, साथ ही बहुजन समाज पार्टी के अंदर महिला विंग भी अलग से नहीं है। तो कुल मिलाकर यह साफ नजर आता है कि बीएसपी एक बार फिर से महिलाओं को जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा हाल ही में लिए गए फैसलों से कुछ ऐसा ही नजर आता है कि वो दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग को जोड़ना तो चाहती है, साथ ही मुस्लिम समाज की हो चाहे अन्य वर्ग की हो, महिलाओं को भी तहरीज देने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद से लेकर अतिक अहमद तक उन्होंने काफ़ी लोगों को पार्टी के अंदर मौका दिया है। इसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जिनको पार्टी के अंदर लगातार जोड़ने की कवायद है वो जारी है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने प्रयागराज से शाइस्ता परवीन, अतिक अहमद की पत्नी है, उनको मेयर का चुनाव का टिकट देकर इस बात की खुली जो है चुनौती स्वीकार कर ली है अन्य पार्टियों की कि इस बार का जो चुनाव होगा वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के ऊपर लड़ा जाएगा। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष से सहारनपुर का जो मेयर का चुनाव होने वाला है उसको लेकर भी बहुजन समाज पार्टी ने साइमा जो मसूद है, इमरान मसूद की पत्नी, मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। तो कुल मिलाकर साफ नजर आ रहा है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी इस वक्त मुस्लिम समाज के ऊपर, दलितों के ऊपर दाव खेलने की कोशिश में जुटी हुई है। बीएसपी की पूरी निगाहें उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश में जहां से उन्होंने खुद भी कई बार प्रयास किए थे उससे लेकर उत्तराखंड से सटे हुए इलाकों से लेकर एक बार फिर से उन तमाम क्षेत्रों में जहां बीएसपी का जनाधार था उनको वापसी लाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इन तमाम चीजों से कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो चुनाव नतीजों के बाद मिलेगा। लेकिन सच यही है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी को अगर खुद आगे बढ़कर लीड करे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मिलेंगे किसी अपडेट के साथ, अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।